हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, चैप्टर फर्स्ट रिवीजन चल रही है। हाँ जी, फॉर सम इंटीजर्स एम, एवरी इंटीजर जो है इवन इंटीजर शुड बी ऑफ द फॉर्म, ये तो पता ही है ना, इवन इंटीजर हमेशा 2m की, अगर मैं कहती ऑड इंटीजर 2m प्लस 1। नाउ नेक्स्ट जो है मेरे पास, नेक्स्ट बेटा प्लीज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, वो कहता है कि ये डिविजिबल बाय 8 तभी होगा अगर मेरे पास जो है वो n कैसा है। एक सिंपल लिखा इंटीजर, फिर लिखा नेचुरल नंबर, फिर लिखा ऑड नंबर, फिर लिखा इवन। आपने रटा हुआ है ऑड नंबर, मुझे पता है। हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो इंटीजर और नेचुरल नंबर क्यों नहीं आए उसमें, क्यों नहीं आया, क्योंकि स्केयर है। अगर स्केयर होगा नेगेटिव कंज्यूम हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा, यानी इंटीजर्स में ले सकती हूँ, नेचुरल नंबर को क्रॉस लग गया। अब बात आई इवन या ऑड, अगर मैं लेती हूँ इवन, मैंने नंबर लिया 2, 2 का स्केयर 4 माइनस 1 नहीं जा रहा, एक बड़ा ले ले इवन नंबर, लेट अस टेक 4, 4 स्केयर 16, 16 माइनस 1 नहीं जा रहा, इवन नहीं जा रहा, ऑड करके देखें। हाँ जी, 3, 3 का स्केयर 9 माइनस 1, अगर आप लेते हो 1, 1 का स्केयर 1 माइनस 1, सब डिवाइड करते हैं जीरो को, तो आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर। ठीक है जी, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल एज दिस, देन द वैल्यू ऑफ एम इज। अब बेटा अब क्या करना है, कोई जरूरत नहीं है वो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड की, उसने कहा एचसीएफ इसका ऐसे एक्सप्रेस होता है, आपके पास नंबर थे 65 और 117, इसका एचसीएफ क्या होगा 13, तो मैं 13 लिखा, वहां से एम की वैल्यू निकाल लो बस। तुम क्या करते हो कि बेटा बैक सब्स्टिट्यूशन करते हो, वो तब प्रॉब्लम आती है जब आपके पास दो वेरिएबल्स हो एक्स एंड वाई, दो यहां एक ही है ना, एम ही निकालना है ना, 65 और 117 का एचसीएफ निकाला कितना आया 13, तो 13 के इक्वल किया इसको इधर ले जाओ प्लस डिवाइडेड बाय 65 एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, इसको इधर प्लस किया तो मेरे पास 13 प्लस 117 65 है, और 65 इसको प्लस करो मेरे पास जो है 130 ओवर 65 है, कटिंग करो यू विल गेट योर आंसर, 2 से ही होगा ना, 65 टू द 130 होता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स मेरे पास जो है 70 एंड 125 लीव रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। पहले तो लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, उसने कहा कि जिससे मतलब जो डिवाइड करता है दोनों को, डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देता है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि डिवाइड तभी करेगा अगर रिमाइंडर खत्म हो गया, तो पहले रिमाइंडर खत्म करो 65, और मुझे पता है दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 30। बस लार्जेस्ट नंबर बोला है ना, तो हाईएस्ट, हाईएस्ट किससे रिप्रेजेंट होता है, एचसीएफ। वैसे भी आप क्लियर कट कर सकते हो, आप एलसीएम नहीं ले सकते, एलसीएम वाला नंबर तो इस नंबर से भी बड़ा आ सकता है, तो क्या वो डिवाइड कर सकता है इनको, फिर मैं आपको यही तो ट्रिक बता रही हूं, मैंने कैसे इसमें सोचा, अगर मैं एलसी निकालने तो दो चीजें हैं ना, ये एलसीएम या एचसीएफ, अगर आप एलसीएम लेते, एलसीएम का नंबर दोनों से बड़ा आ जाता, आ सकता है कि नहीं, जब बड़ा आता क्या वो नंबर इसको डिवाइड कर पाता, फिर
फिर नहीं ना कर सकते, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहीं से पता चल जाता है कि एचसीएफ निकाल। ठीक है, थोड़ा उसको सोच के देखा करो अगर नहीं पता चल। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, मेरे पास जो है, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली टाइप तो मैं इतना करवा चुकी हूं। फॉर इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू मेरे पास जो है कैन बी एक्सप्रेस एज, फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम में क्या लेते हैं बड़ी वैल्यू, ए की पावर, प्लीज मत बोलो बेटा ऐसे बीच में, लेट मी स्पीक, ए की पावर यहां वन है, यहां पर बड़ी पावर कितनी है, तो एलसीएम में ए थ्री बी की बड़ी, अगर एचसीएफ लेना होता ए बी कम पावर्स, ठीक है जी, कम पावर्स लेना, बस ये याद रख। ठीक है बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बी एक्स वाई स्क्वायर एच सी एफ बताओ, ऐसे कोई नहीं बता, प्लीज प्रीक्षित, प्लीज प्रीक्षित, वाई स्क्वायर, और अगर मैं कहती एलसीएम बेटा, वेरी गुड, बात समझ आई बेटा सबको, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ, अब ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, अगर अकेला लिखा होता ना द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, फिर होना था कि रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि जीरो नंबर आ गया बीच में, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग वो जीरो करता है, बट यहां वर्ड उसने क्या लिख दिया, नॉन जीरो, तो नॉन जीरो में मेरा काम खत्म हो गया, जीरो आएगा ही नहीं, कौन से रह गए फिर इरेशनल। बात समझ आई बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास वो है, ये जितने क्वेश्चन है देखो बार बार वही वही आ रहे हैं, पर पेपर में फिर आप कोई ना कोई गलती कर देते। हाँ जी, डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास वो है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, 1, 2, 5, 0 के पहले फैक्टर बनाइए, जब आपने, मैं कैसे करती हूँ 1, 2, 5 के, मुझे पता है 5 की पावर 3, आप बना सकती हो ना ऐसे, मुझे पता ये 5 की पावर 3 और एक 10, 5 into 2 यानी 5 की पावर 4 होगी और 2 की पावर 1, बड़ी पावर किसकी है, वो कितनी है, इट विल टर्मिनेट आफ्टर, बट पेपर में अब क्या गलती होती है, अगर ये 5 इनमें से कोई कटिंग होता था, यहां कोई कटिंग नहीं हो रही मैंने देख लिया, बट फिर भी चेक जरूर कर लेना एक बार कि 3 के टेबल में तो नहीं जा रहा, लेट अस सी 15 15 प्लस 10, ये देखो 15 और ये 10 25, वो 3 के टेबल में नहीं जाता, तो कई बार ऐसा, ये नीचे भी नहीं जाता था 8, मतलब ये चेकिंग जरूर, अगर कटिंग होती है तो पहला काम है इन क्वेश्चन में क्या करना है, कटिंग, फिर देखना है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो, समझ आ गई बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है ये एक टॉपिक के क्वेश्चंस आपके क्लियर कट जो गए खत्म हो गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट बेटा, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा वैसे डिलीटेड है, बट आप स्टेटमेंट जरूर एक बार कर लो कि क्या कंडीशन होती है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पलर बुक में देखूं तो उसमें यही टॉपिक थे जो सारे कवर कर दिए मैंने। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द अदर बेटा, मेरे पास हो गए सेकंड पॉलिनोमियल चैप्टर का। अब पॉलिनोमियल चैप्टर में मेरे पास जो आपको याद रखना है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्यूबिक के भी
क्वाड्रेटिक के भी, अब उसी पर बेस्ड। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये पॉलिनोमियल है। ऐसी अगर मैं कहूं कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं और कितनी और पॉलिनोमियल लिख सकते हो जिसके सेम जीरोस हो, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि बाहर हम क्या लगाते हैं, के लगाते हैं, वो के से उसको क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होता है, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट मींस आपके पास इनफाइनाइट मेनी पॉलिनोमियल जा सकती हैं जिनके सेम जीरो। अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो गए, यहां पर मैं क्या करूंगी कि अगर मैंने सम ऑफ जीरोस देख रहे हैं, ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा ले लो बेटर है, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और एक क्यूबिक का होता है, क्यूबिक अगर ये पॉलिनोमियल है इसमें थ्री जीरोस होंगे, बिल्कुल माइनस, फिर नेक्स्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, नेक्स्ट प्लीज इसको ध्यान से लर्न कीजिए। ओके नाउ बेटा क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस, ठीक है, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द जीरोस मेरे पास हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यही कंफ्यूजन रहती है कि कैसे करना है, क्या करेंगे। आप देखो आपको यहां क्या दिया है, सम दिया ना, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय, अल्फा दिया टू, बीटा कैलकुलेट हो जाएगा, अदर रूट आ गया। अब क्या करने को कहा, के अल्फा बीटा सी बाय वन, अल्फा की वैल्यू टू, बीटा की वैल्यू, आंसर कितना आया, ऐसे सम पेपर में पक्का एक आता ही आता बेटा, 100। कैसे, यहां हाँ ये भी कर सकते हो, वन ऑफ द जीरोस बोला ना, आप सीधा एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, इक्वल टू जीरो, वो भी ठीक है, वो दो स्टेप में नहीं होगा, एक स्टेप में हो जाएगा। ओके नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट। मेरे पास हो गए गिवन दैट ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाय ए, के बाय वन, अल्फा पता टू, बीटा निकाला माइनस फाइव, तो माइनस टेन आंसर, सीधा पुट कर लेते वो ज्यादा इजी हो जाना था, ठीक है। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, गिवन दैट टू ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो, उसने कहा है कि इट इज गिवन दैट कि दो जीरोस हुए ना वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो क्या है, वो जीरो है, यानी अल्फा जीरो मान लेती हूं, बीटा जीरो मान लेती हूं, और उन्होंने कहा कि थर्ड जीरो निकालो। चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, दो जीरोस हो गए, तो गामा की वैल्यू क्या आई, ठीक है बेटा। नाउ कम टू द क्वेश्चंस मेरे पास हो गए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास के माइनस वन एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री, फाइंड के, क्या करें,
एक्स की वैल्यू सीधा क्या पुट कर दे, पुट कीजिए, जल्दी पुट कीजिए, इक्वल टू जीरो। यहां से के की वैल्यू निकाल लीजिए, ओके, जितना भी आंसर आ रहा है। और दोज हुआ नॉट राइटिंग ना, स्पीड मैच करोगे मेरे साथ तो आप काम कर पाओगे। प्रॉब्लम ही ये मैथ्स में, वी आर लिसनिंग और आपको लगता है हमारे दिमाग में सब कुछ बैठ गया। मैथ नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन रिटन। इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, सुन रहे हो आपको भी नींद आएगी। ट्राई टू डू, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे हूं, आप पहला तो पूरा करो ना कम से कम। चलिए नेक्स्ट, मेरे पास जो है अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हू जीरोज आर -3 and 4। कैसे करेंगे, एक्स माइनस जैसे मर्जी कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ओपन किया, एक तो ये है ना, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा करके कर सकते हो। एक मेथड क्या है, आप सम और प्रोडक्ट निकाल लो जीरोस का। वो क्या है, सम इज प्रोडक्ट इज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, जैसे मर्जी कर लो, ओके। समझ आई बेटा बात, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर 2 and -3 देन ए एंड बी आर, दे जस्ट मेंशन एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, अल्फा दे दिया 2, बीटा दे दिया -3 और फाइंड द वैल्यू। मेरे पास हो गए वैल्यू निकालिए, मेरे पास ए और बी की मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या करें, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेके कर लें। जब सम करेंगे -1, लेकिन सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू -2, मेरे में तो -2 आई है, जीरो, ठीक है। हाँ जी, आगे मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -6, ठीक है ना, नीचे तो 1 ही आना। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पॉलीनोमियल्स हैविंग जीरोस, जो है बिल्कुल हैविंग जीरोस, कितने पॉलीनोमियल हैं जिनके जीरोस -2 and 5 आए, इनफाइनाइट होते हैं, तो मोर देन 3 में ही आता है ना। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट वन ऑफ द जो है जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल जो है इज जीरो, एक जीरो में जीरो दिया है, यानी अल्फा को जीरो ले ले, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। अब देखो कई बच्चे क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। अगर अल्फा बीटा गामा लोगे बेटा, वो तो सीधा ही जीरो बन गया, उसको मत लो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना मैंने अदर टू जीरोस, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वो क्या होता है मेरे पास, अब अल्फा जीरो, अल्फा जीरो ये खत्म हो गया, तो बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई। बात समझ आई बेटा, क्लियर टू एवरीवन, क्या निकालें, बिल्कुल किसने कहा नहीं आने,
बेटा मैं आपको बता, हाँ जी नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए। अगर आपको याद हो आगे भी ये क्वेश्चन कराया था और मैंने कहा था स्टार लगा लो, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर क्वेश्चंस। हाँ जी, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज वन माइनस वन, अल्फा ले लिया माइनस वन, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज, एक तो बेटा ये दी है, एक ऑप्शन ये दी है, एक ये दी है, देन ये दी। अब यहां पर उसने कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, अब प्रोडक्ट निकालना है, एक ऑप्शन दे दी, अब आप क्या कर सकते हो मेरे पास, अगर मैं अल्फा बीटा गामा ये ले लूं, वो क्या होगा सी माइनस सी बाय ए, ए वन है, ये खत्म हो गया बेटा, स्टेटमेंट में क्या दिया है, डी दिया सी, तो मैं वही लूंगी है ना। अब एक वैल्यू अल्फा की माइनस वन दे दी, अगर आप कहते हो कि मैम हम ये यूज करें इससे तो आंसर सी आ रहा, कोई भी मैच नहीं कर रहा, देखो कर रहा है कोई नहीं ना, मुझे आंसर मैच करने के लिए इसका मतलब क्या यूज करना पड़ेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यानी मेरे पास हो गए बी दैट इज इक्वल टू बी ओवर ए वन ही है। अब देखो अल्फा यहां पर कितना आ गया माइनस, अल्फा कितना आ गया यहां माइनस, अब मेरे पास मैंने ये निकालना है, इसको रहने दो इधर, अब मैं इसको अगर उधर ले जाऊं तो ये गामा प्लस बीटा हो गया, मुझे किसी तरह से इसकी वैल्यू चाहिए, अब वो वैल्यू कैसे निकालो, यस अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू माइनस ए, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी माइनस वन, उधर जाके क्या आ जाएगी नाउ पुट द वैल्यू, ये आपको देखना है वहां पर, मैंने तब भी आपको ये क्वेश्चन करवाया था और बोला था कि देखो आंसर मैच नहीं कर रहा ऑप्शन में तो मुझे कुछ और लगाना पड़ेगा, तो मेरे पास हो गए यहां पर वैल्यू बी माइनस, ये प्लस सही हो जाएगा माइनस वन, चेक करो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, कैसे आप देखो साइन चेंज चेक करना बेटा, ऑप्शन कोई मिस्टेक ही हमने कैलकुलेटर बेटा, चेक इट, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया जब मैंने ये पुट किया, बीटा गामा ये देखो ये माइनस था प्लस, ये देखो ये दोनों माइनस के थे ना, माइनस कॉमन लिया तो उधर जाके ये दोनों प्लस ही होने थे, मैंने माइनस लिख दिए थे, जब ऑप्शन नहीं मैच होगी आपको देखना ही पड़ेगा, तो मेरे पास अल्फा प्लस की ये आंसर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है जी। प्लीज पेपर में ये मत करना क्वेश्चन किया हुआ मैडम यही ऑप्शन आनी है, डोंट डू दिस, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट विद योर हैंड देन चेक इट कि वाकई जो आपके मन में आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए एक बेटा जो नॉर्मली इस चैप्टर में से मिस्टेक बच्चे करते हैं, प्लीज नंबर ऑफ जीरोस का आपको भी प्री बोर्ड में आया था, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, अगर एटमोस्ट एटलीस्ट होता तो तब आप कहते हैं एटमोस्ट टू, दो हो सकते हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखो, दो इक्वल जीरोस हैं लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते, ट्राई टू रीड द ऑप्शंस केयरफुली,
ध्यान से देखना, तो आपने गलत किया। यहां पर ऐसे बनाई हुई थी और यहां एक्स लिखा था, आपने पढ़ा ही नहीं। ओके क्लियर बेटा इन छोटी छोटी बात। हाँ जी हाँ जी। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव इक्वल। कैसे रट्टा लगाया हुआ है? देखो सम ऑफ जीरोज माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हाँ जी दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव बनेंगे, और क्योंकि इधर भी नेगेटिव था तो वहां से पता चला दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव। ओके जी क्लियर। कल इसको बेटा कंप्लीट करेंगे।